आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम रिवीजन करने वाले हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये समरी है। लेकिन जितना ये रिवीजन है, जितना ये समरी है, उतना आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आपने 18-19 घंटे लगा करके स्टडी किया है शेयर बेस्ड पेमेंट का, हम अगले 1 से 1.5 घंटे में उस सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज करने जा रहे हैं विद डिस्कशन। शेयर बेस्ड पेमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप मैंडेटरी कह सकते हो, आता ही आता है। चाहे एग्जामिनेशन ACCA के डिप्लोमा IFRS का हो, चाहे एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन इन IFRS का हो, चाहे एग्जामिनेशन CA फाइनल का हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, या ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का, या ICWA कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, या ACCA पेपर 2 एसेंशियल मॉड्यूल कॉरपोरेट रिपोर्टिंग इंटरनेशनल का। ये एक बहुत ही हिट टॉपिक है और बहुत ही दमदार टॉपिक है जिसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और हम बड़े अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। हमारे कुछ मेन वीडियोज भी यूट्यूब चैनल पे पहले से ही हैं इसके, जो आपने देखे हैं। आज मैं इस वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि बिगिनिंग टू एंड पॉइंट वाइज आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया जाए शेयर बेस्ड पेमेंट के प्रोविजंस को, ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएं। तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है क्या, अगर मैं टाइटल लगाऊं फटाफट से, तो IFRS 2 IND AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। IFRS 2 IND AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट का टॉपिक एक्चुअल में क्या है, इसी चीज की एनालिसिस आज हमें डेवलप करनी है। आप नाम से ही जानते, लिखा है शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब इस चैप्टर के फंडामेंटल्स क्या हैं। फंडामेंटल्स इस चैप्टर के क्या हैं? फंडा वन, ट्रांजेक्शन का जो मीडियम होता है दोस्त, ट्रांजेक्शन का जो मीडियम होता है एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से या किसी इंडिविजुअल से जब ट्रांजेक्शन करती है, तो इसका जो मीडियम होता है वो मीडियम होता है, आप सब जानते हैं, कैश, या कैश का ही दूसरा फॉर्म है बैंक, ये आप सारे ही जानते हैं। लेकिन जब हम इस मीडियम को ही चेंज कर डालें, मतलब जब हम इस मीडियम को यूज ना करें और हमने कैश और बैंक को काट दिया और बदले में अपने ट्रांजेक्शन का मीडियम शेयर बना दिया, तो इसी का नाम होता है शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बना दिया मतलब ट्रांजेक्शन करने का जो मीडियम था वो आप सब जानते हैं कि ट्रांजेक्शन का मीडियम सिर्फ कैश होता है, या कैश का ही जो दूसरा फॉर्म है बैंक वो होता है। लेकिन अगर कंपनी एंटिटीज कैश और बैंक के बजाय अपने ट्रांजेक्शन के मीडियम को शेयर बना दे, तो हम उसका नाम रखते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। तो आपको टाइटल से काफी कुछ समझ आ गया होगा कि शेयर बेस्ड पेमेंट एक्चुअल में क्या है, मतलब शेयर्स यूज्ड एज करेंसी कैश।
अब जब शेयर को हम करेंसी कैश की तरह यूज करते हैं तो हमारे पास शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का ओरिजिनेशन हो जाता है, और मैं इसी चीज को आपको डेवलप करके बताने वाला हूं फंडा टू क्या है इसका। फंडा टू एंटिटी वन, एंटिटी टू, एंटिटी वन, एंटिटी टू। अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से गुड्स और सर्विसेज लें, गुड्स या सर्विसेज, और बदले में शेयर इशू करे, इशूड शेयर्स, ले गुड्स एंड सर्विसेज और इशू करे शेयर्स किसी और एंटिटी से, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूएशन के नियम में क्या कहता है वो देखना। वैल्यूएशन का प्रोविजन क्या है? वैल्यूएशन रूल, वैल्यूएशन के रूल क्या कहते हैं दोस्त? वैल्यूएशन का रूल कहता है कि शेयर की वैल्यूएशन नहीं होगी, शेयर्स वैल्यूएशन ये नहीं करेंगे। मतलब आपने गुड्स और सर्विसेज बाई किया है और शेयर इशू किया, तो आप शेयर की वैल्यूएशन नहीं करोगे, गुड्स और सर्विस की वैल्यूएशन करोगे, गुड्स और सर्विस की वैल्यूएशन करोगे। और गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज डीम्ड लिखे तो ज्यादा बेटर है, डीम्ड एज वैल्यू ऑफ शेयर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिर IFRS 13 यानी IND 113 फेयर वैल्यू के नियम में चला गया। जब फेयर वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड कहता है कि जो फेयर वैल्यू करेंगे आप वो करेंगे एग्जिट प्राइस पे, और एग्जिट प्राइस तो वो हो ही नहीं सकती जो हम इशू करते हैं, एग्जिट प्राइस वो हो सकती जो दूसरी कंपनी इशू करती है। चूंकि दूसरी कंपनी ने आपको गुड्स और सर्विसेज दिया है, इसलिए एग्जिट रूल ये कहता है कि गुड सर्विस की जो प्राइस है वो फेयर मानी जाएगी, और गुड सर्विस की जो वैल्यू है वही शेयर्स की फेयर वैल्यू मानी जाएगी। तो अगर एंटिटी ने दूसरे एंटिटी से गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो वैसे केस में शेयर की वैल्यूएशन नहीं होगी, गुड सर्विस की वैल्यूएशन होगी, और गुड सर्विस की वैल्यूएशन ही शेयर की वैल्यू मानी जाएगी। और फंडामेंटल तीन, तीसरे फंडामेंटल क्या है? अगर एंटिटी अपने एम्प्लॉई से ट्रांजैक्शन करे, अगर एंटिटी अपने एम्प्लॉई से ट्रांजैक्शन करे दोस्त, तो वैसे केस में एंटिटी ने एम्प्लॉई को शेयर इशू करना है और बदले में एम्प्लॉई से सर्विसेज लेनी है। आप बोलेंगे फिर सर बेस्ट ये है कि हम सर्विस की फेयर वैल्यूएशन करें, शेयर की फेयर वैल्यूएशन ना करें। यहां पे बात थोड़ी बदलेगी, क्योंकि एम्प्लॉई भी हमारा ही है और शेयर्स भी हमारे ही हैं, दोनों हमारे खुद के हैं। ऐसे केस में एम्प्लॉई जो सर्विसेज दे रहा है वो इनटेंजिबल है, दिखता नहीं, अदृश्य है, अमूर्त है, लेकिन हम जो शेयर्स दे रहे हैं वो दिखता है, टेंजिबल है। इस वजह से स्टैंडर्ड ने कह दिया वैल्यूएशन के रूल में कि यहां शेयर की वैल्यूएशन होगी, सर्विसेज की वैल्यूएशन नहीं होगी। मतलब यहां जो वैल्यूएशन होगी वो वैल्यूएशन होगी शेयर्स की, सर्विसेज की वैल्यूएशन नहीं होगी। और ऐसे केस में वैल्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रीटेड एज
वैल्यू ऑफ सर्विस। ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और इन्हीं तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारा ये IFRS कवर्ड है। आप बोलेंगे आप तो रिवीजन करने वाले थे, पढ़ाने ही लग गए। मैंने ये पॉइंट जानबूझ के आपको बताया इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट्स है यही स्टैंडर्ड का फंडामेंटल है, तो इसको समझने के लिए जो भी समय लगाना था मैंने लगाया है। अब मैं सिर्फ आपको स्टैंडर्ड के प्रोविजन को समराइज कराऊंगा, लेकिन फिर मैं एक तीन बारी तीनों फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब एंटिटी कैश और बैंक के बजाय अपने शेयर को यूज करने लगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन में, तो वहां पे इसका नाम आ जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट। दूसरा फंडामेंटल ये है कि जब एंटिटी दूसरे एंटिटी से गुड्स और सर्विसेज ले और अपना शेयर इशू करे तो शेयर की वैल्यूएशन नहीं होगी, गुड सर्विस की वैल्यूएशन होगी, और उसका जो प्रोविजन है उसके जो बेस हैं वो बेस है बेस्ड ऑन IFRS 13। IFRS 13 ये कहता है कि जो वैल्यूएशन होगी वो एग्जिट प्राइस पे होगी, वैल्यूएशन एंट्री प्राइस पे नहीं होगी। अगला जो रूल है वो फंडामेंटल तीन है जो कहता है एम्प्लॉय और एंटिटी के बीच जब ट्रांजेक्शन होगा, एम्प्लॉय भी हमारे खुद के हैं, शेयर्स भी हमारे खुद के हैं, इसलिए एम्प्लॉय के जो सर्विसेज हैं वो अमूर्त हैं लेकिन जो शेयर्स हैं वो मूर्त है, टेंजिबल है। इस वजह से आप शेयर की वैल्यूएशन तो करेंगे, सर्विसेज की वैल्यूएशन नहीं करेंगे, और शेयर की वैल्यूएशन ही सर्विस की वैल्यू मान ली जाएगी। तो ये तीनों फंडामेंटल के साथ अब मैं स्टैंडर्ड के प्रोविजन को समराइज कराने वाला हूँ। आप साथ साथ नोट करते रहेंगे क्योंकि नोटिंग से क्या होता है, वैसे दो तरीके होते हैं कि मैं लिख करके लाया बोल दिया तो ऐसा लगता है कि समय बच रहा है, समय बचता बचता नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तब 5 बार पढ़ने के बराबर होता है, और जब आप पढ़ते हैं तो बात अलग होती है, लिखने की बात अलग होती है। इस वजह से हम ज्यादातर लिखने पे ध्यान देते हैं और लिखने के साथ साथ आप ऑटोमेटिक पढ़ते रहते हैं। तो मेरी बात यह है कि आप इसको लिखें, 1-1.5 घंटा इस ऐसे टॉपिक पे लगाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, जो टॉपिक हर बार एग्जामिनेशन में 8 से 10 नंबर का फिक्स हो। तो नंबर दो, अकाउंटिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद अदर देन एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के अलावे जब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन हो तब आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अकाउंटिंग क्या करेंगे। रूल आप पढ़ ही चुके हैं, वैल्यूएशन शेयर्स की होगी, सॉरी वैल्यूएशन गुड सर्विसेज की होगी, शेयर की वैल्यूएशन नहीं होगी। तो जो जर्नल एंट्री करेंगे आप, अगर आपने गुड्स लिया, वैल्यूएशन आप जानते हैं, शेयर्स आर नॉट वैल्यूड, एग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर्स, सॉरी एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ सर्विसेज एक्सपेंसेज आर रिकग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस जर्नल, बड़े सिंपल हैं, गुड्स और सर्विसेज डेबिट, गुड्स लिखो एसेट लिखो, सर्विसेज लिखो डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर से।
ये हमारे पास में डिटेल है, मतलब आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, तो वैल्यूएशन के ये प्रोविजन है और ये जर्नल है। अगर गुड्स है तो वो डायरेक्ट रिकग्नाइज होगा, अगर एसेट है तो डायरेक्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, और अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज अगर इकट्ठा सब रेंडर हो गया हो तो सारी कॉस्ट इकट्ठा पीएल में डाल देंगे, और अगर पूरा इकट्ठा रेंडर ना हुआ हो तो सर्विसेज को आप टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट है अगर ट्रांजेक्शन अदर देन एम्प्लॉई है तो। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड नंबर पॉइंट पे, ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉई, जो इस चैप्टर का मेन क्रक्स है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉई थर्ड पॉइंट। ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉई, इसी ट्रांजेक्शन को मेनली आपको पढ़ना है, और ये ट्रांजेक्शन चार हिस्से में बटा हुआ है। इक्विटी प्लान, कैश प्लान, ऑल्टरनेटिव प्लान, ग्रुप प्लान। यानी इन चार पॉइंट को हमने समझ लिया तो ये टॉपिक खत्म हो गया, समझो। इक्विटी प्लान, इक्विटी प्लान में सिर्फ एम्प्लॉय को शेयर इशू किया जाएगा, उसको शेयर के अलावा कुछ नहीं इशू किया जाएगा। ओनली शेयर आर इशूड। कैश प्लान के अंदर एम्प्लॉय को कैश इज पेड बेस्ड ऑन शेयर्स, मतलब यहां पे शेयर के बेसिस पे कैश का पेमेंट किया जाता है। ऑल्टरनेटिव प्लान में इक्विटी और कैश, एनी वन कैन बी पेड, और ग्रुप में सर्विसेज रिसीव्ड बाई अदर एंटिटी एंड शेयर्स इशूड बाई अदर एंटिटी। सर्विस देने वाली एंटिटी और है, शेयर्स देने वाली एंटिटी और है, मतलब जैसे एम्प्लॉय काम कर रहा है होल्डिंग कंपनी के लिए और शेयर इशू कर दिया सब्सिडरी ने, या काम एम्प्लॉय कर रहा है सब्सिडरी के लिए शेयर इशू कर दिया होल्डिंग ने। जब आप शेयर्स इशू करते हैं तब जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है वो इक्विटी क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि आपको कोई कैश देने की ऑब्लिगेशन नहीं है। जब आप कैश इशू करते हैं तब जो आपकी ऑब्लिगेशन होती है वो लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन होती है, और जब आप ऑल्टरनेटिव प्लान में जाते हैं तो यहां पे लाइबिलिटी और इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ता है। ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और यहां पे ये है तो इक्विटी प्लान ही, लेकिन इसकी एंट्री डिफरेंट होती है, इक्विटी रिकॉर्डेड डिफरेंटली। ये सब मैं आपको समझाने वाला हूं, मतलब अगर इक्विटी प्लान है तो सिर्फ एम्प्लॉय को शेयर लेने का अधिकार है, शेयर के अलावा और कुछ नहीं।
अगर कैश प्लान है तो शेयर के बेसिस पे कैलकुलेटेड कैश दिया जाएगा, अगर ऑल्टरनेटिव प्लान है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें लाइबिलिटी और इक्विटी के कंपोनेंट क्या हैं, और अगर ग्रुप प्लान है तो इशू तो इक्विटी होता है लेकिन रिकॉर्ड डिफरेंटली होता है, क्योंकि सर्विसेज किसी और ने लिया और शेयर किसी और का गया। हम वन बाय वन समरी बना रहे हैं सारे प्लान्स की। पॉइंट नंबर फोर, इक्विटी प्लान। इक्विटी प्लान, इक्विटी प्लान का मतलब है शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉई इन लीव ऑफ सर्विसेज, जिसको आप लेबर कह सकते हैं। एम्प्लॉई मेहनत करता है और उस मेहनत के बदले हम उसे शेयर्स देते हैं। अब इसमें जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पेमेंट, सर्विसेज रेंडर्ड इन पास्ट सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। सर्विसेज रेंडर्ड इन पास्ट, सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, मतलब एम्प्लॉई ने पहले काम कर दिया और उसके बदले आप उसे शेयर्स दे रहे हैं, और एम्प्लॉई को आप कमिटमेंट पे दे रहे हैं शेयर्स कि आप फ्यूचर में काम करोगे, तो दो अलग अलग बेसेज बन गए। अगर पास्ट सर्विस के बदले आपने शेयर्स दिए होंगे तो जितना भी शेयर का खर्चा होगा इमीडिएट पीएल में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने फ्यूचर सर्विस के लिए दिया होगा तो खर्चे को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको दो अलग अलग हिस्से में समझा रहा हूं। सर्विसेज रेंडर्ड इन पास्ट, सर्विसेज रेंडर्ड इन पास्ट, इसको कई बार ईएसपीपी प्लान भी कहते हैं। ईएसपीपी प्लान मतलब एम्प्लॉई स्टॉक परचेज प्लान भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉई ने जो पास्ट में काम किया है उसके बदले उसको शेयर डिस्काउंट पे इशू किया दिया जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डिस्काउंट पे ही शेयर इशू किया जाएगा। हो सकता है कि शेयर फ्री में भी इशू कर दिया गया हो सकता है कि डिस्काउंट पे भी इशू कर दिया गया हो, तो आपको इस चीज में बिल्कुल ध्यान रखना है। एक ही जर्नल एंट्री लगेगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप कोई एक्सरसाइज प्राइस लेते हो इफ एनी, बैंक अकाउंट डेबिट इफ एनी, मतलब अगर कोई एक्सरसाइज प्राइस आपको मिलेगा तो उसको डेबिट कर देना। मतलब अगर आप कोई चार्ज कर रहे हो, जैसे 100 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो, आपने एम्प्लॉई को कह दिया 20 रुपए हमें दे दो, बाकी 80 रुपए माफ कर दिया, तो अगर कोई प्राइस आप चार्ज कर रहे हो तो उसको डेबिट कर दो, और अगर आप प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो, पूरा का पूरा फ्री दे रहे हो, तो आप बाकी को कर देंगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट बैलेंसिंग फिगर, या अगर पूरा फ्री है तो पूरा टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर के। और ये जो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है, अगर ये एसेट से रिलेटेड होगा तो कैपिटलाइज हो जाएगा। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस
रिलेटेड टू एसेट इज कैपिटलाइज्ड, अगर ये किसी एसेट के रिलेशन में होगा तो कैपिटलाइज हो जाएगा एसेट की वैल्यू में, एंड इन अदर केस ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। तो ये बड़े सिंपल हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। इसको हम ईसॉप प्लान कहते हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। यहां पे एम्प्लॉई को फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, उस काम के बदले उसको शेयर मिल सकता है, या तो शेयर उसे फ्री में मिल सकता है या कुछ पैसे चार्ज करके मिल सकता है। तो इसी में मेन पॉइंट है और इसी को मैं वन बाय वन आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आपको समझना है और पढ़ना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कुछ इयर्स तक एम्प्लॉय को काम करना होता है, जैसे मान लो 3 साल का टारगेट दे दिया, इसको हम कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। इसमें एम्प्लॉय को सर्विस देना पड़ता है, एम्प्लॉय हैज टू रेंडर सर्विस इन दिस पीरियड एंड हेंस एक्सपेंसेस आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में खर्चे भी रिकग्नाइज होंगे। और ये है आपका एक्सरसाइज पीरियड, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन दिस पीरियड एम्प्लॉई हैज राइट टू बाय इक्विटी शेयर्स। ये पीरियड ग्रांट किए भी जा सकते हैं और ग्रांट नहीं भी किए जा सकते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के मोड पे डिपेंड करता है कि कंपनी इस पीरियड को ग्रांट करती है ग्रांट नहीं करती। हो सकता है कि जैसे ही काम खत्म हो कंपनी कहे कि अपने शेयर्स ले जाओ, तो जो एक्सरसाइज जो इमीडिएट भी हो सकता है और कुछ समय भी दिया जा सकता है, ये कंपनी की अपनी मर्जी है। तो ये वाला जो पीरियड है मेनली इसी में खर्चा रिकग्नाइज होता है, वो पीरियड जितने दिन तक एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा सर्विस करना पड़ेगा, सर्विस वाले पीरियड में ही एम्प्लॉय को खर्चा रिकग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने पीरियड में एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी को उसी पीरियड में बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए जो भी शेयर का खर्चा एंटिटी कर रही है उस खर्चे को इन पीरियड में एंटिटी रिकग्नाइज कर लेंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसी से रिलेटेड सारे रूल्स आपको पढ़ने, मतलब जो खर्चा रिकग्नाइज होगा वो उसी पीरियड में रिकग्नाइज होगा जिस पीरियड में एंटिटी को टास्क परफॉर्म करना है। तो अब दूसरी बात यह है, दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि खर्चा कितना रिकग्नाइज होगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। यानी एक्सपेंस पर शेयर कितना आएगा, एक्सपेंस पर शेयर, एक्सपेंस पर शेयर, एक्सपेंस पर शेयर। एक्सपेंस पर शेयर के नियम बड़े सिंपल हैं,
एक का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और एक का नाम है फेयर वैल्यू मेथड। वैसे IFRS 2 फेयर वैल्यू मेथड ही परमिट करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड परमिट नहीं करता। लेकिन जो कंपनियां फेयर वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकती हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू लगा सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अगर फेयर वैल्यू मेथड की बात करें तो फेयर वैल्यू मेथड के दो रूट हैं, फेयर वैल्यू मेथड के दो रूट हैं दोस्त। एक है फुल्ली फ्री शेयर्स, और एक है शेयर्स विद एक्सरसाइज प्राइस। फुल्ली फ्री शेयर्स या शेयर्स विद एक्सरसाइज प्राइस, अगर फुल्ली फ्री शेयर्स हैं मतलब जहां पे शेयर का एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा है, अगर शेयर फुल्ली फ्री है तो वहां पे एंटायर फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। मतलब शेयर की जितनी फेयर वैल्यू है पूरा खर्चा है, क्योंकि आपने एम्प्लॉय से एक भी पैसे चार्ज नहीं किए। अगर शेयर विद एक्सरसाइज प्राइस है तो वहां पे ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकाली जाती है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज कैलकुलेटेड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर यहां पे फेयर वैल्यू डायरेक्ट और यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये ऑप्शन वर्ड क्यों आ गया? मान लो कि 100 रुपए के शेयर की फेयर वैल्यू है और हमने एम्प्लॉय को कह दिया ये कि हम आपको शेयर देंगे और 25 रुपए आपसे चार्ज करेंगे। तो आज तो शेयर की फेयर वैल्यू एस्टिमेट हुई है 100 रुपए और हमने एम्प्लॉय को बोला है कि 20 रुपए हम आपसे चार्ज करेंगे, तो एम्प्लॉय ये सोच रहा है 80 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन इस शेयर को खरीदने के लिए एम्प्लॉय को 20 रुपए देने पड़ेंगे। अब 20 रुपए देने पड़ेंगे तो एम्प्लॉय फ्यूचर में सोचेगा कि 20 रुपए उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब ऐसे केस में एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, क्योंकि उसे कुछ पेमेंट करनी है। अगर वो 20 रुपए पेमेंट करेगा तभी उसको शेयर मिलेगा, अगर एक्सरसाइज प्राइस के साथ है शेयर तो। इसलिए इसका नाम है ऑप्शन, मतलब ये एम्प्लॉय पे अब डिपेंड हो गया कि वो शेयर खरीदे या शेयर ना खरीदे। लेकिन जो फुल्ली फ्री शेयर्स हैं वहां पे तो एक भी पैसे लगने ही नहीं एम्प्लॉय को, तो वैसे केस में ऑप्शन वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। तो इस वजह से यहां पे ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और यहां पे पूरे शेयर की जो फेयर वैल्यू है वही खर्चा रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। अब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो यहां पे भी इसके दो रूट हैं। अगर ये विद एक्सरसाइज प्राइस है, विदाउट एक्सरसाइज प्राइस है, विद एक्सरसाइज प्राइस, विदाउट एक्सरसाइज प्राइस। अगर मैं विद एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस एट ग्रांट डेट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट, माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और अगर विदाउट एक्सरसाइज प्राइस है तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस एट ग्रांट डेट। अब मन में आपके एक क्वेश्चन आएगा कि सर विद एक्सरसाइज प्राइस, विदाउट एक्सरसाइज प्राइस, ये बात तो समझ आई, ये बात नहीं समझ आई कि मार्केट प्राइस में और फेयर वैल्यू में कोई अंतर है क्या?
वैसे नाम तो जो जरूर है लेकिन अंतर है। तो इस बात को मैं यहां से आपको चेक कराता हूं। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो इस दिन को बना और इसका नाम है ग्रांट डेट। कितने शेयर इशू करने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आज ही बन गया होगा, लेकिन शेयर जो इशू होगा वो 3 साल के बाद होगा, क्योंकि 3 साल तक एम्प्लॉई को काम करना है। तो जो शेयर की प्राइस आज है वो शेयर की प्राइस 3 साल बाद होगी, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जो शेयर की प्राइस मार्केट में आज है उसका नाम है मार्केट प्राइस, और फ्यूचर के सारे फ्लक्चुएशंस को कंसीडर करने के बाद जो प्राइस निकली उसको कहते हैं फेयर वैल्यू। क्योंकि एम्प्लॉयर का एक्चुअल खर्चा तो वो होगा जो शेयर की प्राइस यहां पे होगी, जो यहां पे होगी वो तो सिर्फ एक इनिशियल एस्टिमेट है, फाइनल प्राइस तो ये है। इसलिए फ्यूचर के फ्लक्चुएशन को कंसिडर करने के बाद जो प्राइस निकाली जाती है उसका नाम होता है फेयर वैल्यू, और बिना फ्यूचर के फ्लक्चुएशन के ग्रांट डेट पे जो वैल्यू निकाल दी जाती है उसका नाम होता है मार्केट प्राइस। तो अब ऐसे सिचुएशन में एनालिसिस कैसे होगी? ये वाला जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है वो रिकमेंडेड नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये सिर्फ ग्रांट डेट की कैलकुलेशन बताता है। ऐसे मेथड्स का हम यूज तभी करते हैं जब हमारे पास और कोई रास्ता ना हो। अब जो फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन होती है, फेयर वैल्यू इज कैलकुलेटेड, फेयर वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग ब्लैक स्कॉल और बाइनोमियल मॉडल। फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन या तो ब्लैक स्कॉल मॉडल से हो सकती है और या फिर बाइनोमियल मॉडल से हो सकती है। वैल्यूएशन हमारे पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको पूछा जाएगा अकाउंट में एंट्रीज तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी होगी। बस जिस मेथड से कैलकुलेट होता है मेथड मैंने आपको बता दिया है, और उसके जो फैक्टर्स हैं वो डिस्क्लोजर में देने पड़ते हैं जो आपने डिटेल में पढ़ा होगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब बी के बाद आता है हमारे पास में सी। कैलकुलेशन ऑफ ईयरली एक्सपेंस। ईयरली एक्सपेंस के कैलकुलेशन के कुछ फैक्टर्स हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ एम्प्लॉई अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ये गिवन रहता है, गिवन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा रहता है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड पर एम्प्लॉई, ये भी दे रखा होता है। Given in terms of contract, तीसरा आता है कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन या शेयर्स जो भी है एट ग्रांट डेट, ये भी गिवन रहता है क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। आइडेंटिफाई एट्रीशन रेट, डिपार्चर के रेट पता लगाना, डिपार्चर के जो रेट आप पता लगाएंगे एज पर लेटेस्ट मैनेजमेंट एस्टिमेट, ये जो एम्प्लॉई के छोड़ने का रेशियो है ये मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। तो आइडेंटिफाई एट्रीशन रेट, डिपार्चर रेट,
एज पर लेटेस्ट मैनेजमेंट एस्टिमेट, मैनेजमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से आप एट्रीशन के रेट को निकालते रहिए लगातार। उसके बाद आइडेंटिफाई वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड में अलग अलग बातें हो सकती हैं, जैसे वेस्टिंग कंडीशन बेस्ड होता है सर्विस कंडीशन पे, यानी वेस्टिंग जो पीरियड होता है वो सर्विस कंडीशन पे बेस्ड होता है। वेस्टिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन सर्विस कंडीशन। अब सर्विस कंडीशन पीरियड बेस्ड भी हो सकते हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड भी। परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब एक ही बार कह दिया कि आपको 4 साल काम करना है, तो अगर पीरियड बेस्ड वेस्टिंग है तो आपको दिक्कत ही नहीं है, फिर वेस्टिंग पीरियड गिवन रहेगा। गिवेन इन क्वेश्चन, झंझट ही नहीं है। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड वेस्टिंग पीरियड की बात हो गई तो उसको दो हिस्से में बांट देते। एक होता है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, और दूसरा होता है अदर देन मार्केट प्राइस। अगर वेस्टिंग पीरियड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस है तो इसमें दो बातें हैं, एक्चुअल पीरियड गिवन मैक्सिमम पीरियड गिवन। आपको यह देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक्चुअल पीरियड है या मैक्सिमम पीरियड है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल पीरियड है तो एक्चुअल पीरियड में गिवेन पीरियड ही वेस्टिंग पीरियड माना जाएगा। और अगर मैक्सिमम पीरियड है तो एस्टिमेटेड पीरियड इज वेस्टिंग पीरियड। अगर मैक्सिमम पीरियड है तो एस्टिमेटेड पीरियड इज वेस्टिंग पीरियड। अब इसमें एक बार बात भी समझ लीजिए, एक्चुअल पीरियड और मैक्सिमम पीरियड क्या होता है। जैसे एम्प्लॉयर ने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि 3 साल में आपको मार्केट प्राइस अभी 50 है बढ़ा के 80 करना है, तो 3 साल तक काम करना पड़ेगा आपको। और एम्प्लॉयर ने कह दिया कि आपके पास 5 साल है, 5 साल में जिस दिन आप शेयर की प्राइस 80 पहुंचा दोगे उसके बाद आपको शेयर खरीदने का अधिकार हो जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉय 3 साल में शेयर की प्राइस 80 पहुंचा देता है तो अगला 2 साल जो बचा हुआ है उसमें वो कभी भी शेयर खरीद सकता है। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पीरियड, इसको कहते हैं एक्चुअल पीरियड। एक्चुअल पीरियड में ये है कि जितना समय दे दिया एम्प्लॉयर ने उतने समय तक एम्प्लॉय को काम करते रहना पड़ेगा।
मैक्सिमम पीरियड ये है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दे दिया, आप जितने दिन में काम कर लोगे उसके बाद आप रेस्ट करो और जब मर्जी उतने दिन में आप शेयर्स खरीदो। तो इसमें तो खर्चा एक्चुअल पीरियड में ही रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन इसमें खर्चा एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड निकालना पड़ेगा कि आप कितने दिन में काम कर सकते हैं। अब मान लो 5 साल का हमें समय मिला और हमें लगता है कि हम 3 साल में काम कर सकते हैं, तो यहां पे तीन बातें होंगी। या तो वर्क फिनिश्ड, इन एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, जैसे 3 साल आपने एस्टिमेट किया था और 3 साल में ही आपने काम खत्म कर दिया, तो फिर रिकॉग्नाइज एक्सपेंस नॉर्मल, नॉर्मल खर्चे को रिकॉग्नाइज करो। वर्क फिनिश्ड बिफोर एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड से पहले काम खत्म हो गया तो रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेंस इन एक्चुअल पीरियड, जितना समय लगा उतने दिन में ही कर लेना। जैसे आपने पहले एस्टिमेट किया था 3 साल, लेकिन अब आपको पता लग रहा है 2 साल में ही काम खत्म हो जाएगा, तो पहले साल में जो खर्चा रिकॉग्नाइज कर लिया था, बाकी जो बच गया दूसरे साल में डाल देना। और अगर वर्क रिक्वायर मोर देन एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड, देन इग्नोर इंक्रीमेंटल पीरियड। फिर इंक्रीमेंटल पीरियड को इग्नोर कर दीजिए। जैसे मैक्सिमम पीरियड था 5 साल, हमने एस्टिमेट किया था 3 साल, 3 साल में काम खत्म नहीं हुआ, अब लगता है चौथे साल जाएगा, तो खर्चा तब भी 3 साल में ही रिकॉग्नाइज होगा, चौथे साल में नहीं जाएगा। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब मार्केट प्राइस कंडीशन होता है तो ये सबको पता है कि मार्केट प्राइस सिर्फ एम्प्लॉई के मेहनत से ही अचीव नहीं हो जाएगा, उसमें और भी फैक्टर का बड़ा यूज होता है। इस वजह से वैसे सिचुएशन में जब मार्केट प्राइस वेस्टिंग पीरियड होता है, कंडीशन होता है, तो जब हम फेयर वैल्यू निकालते हैं उसी समय कंडीशन पूरा नहीं होगा, उसका एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू में डाल चुके होते हैं। इस वजह से जो भी एस्टिमेट एक बार लग गया उसी में आप खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई इंक्रीमेंटल पीरियड अगर लगा तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि फेयर वैल्यू में उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो आप बोलेंगे यहां पे कम पीरियड क्यों लिया, क्योंकि जब मुझे पता लग चुका है कि काम हो गया तो एम्प्लॉई तो उसके बाद काम करेगा नहीं, क्योंकि टारगेट पूरा हो गया, तो जो खर्चा है उसको उसी साल बुक करने से मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं होगा। अब अगर अदर देन मार्केट प्राइस है कंडीशन, तो हमें इसके अलग से सिचुएशन बनाने पड़ेंगे, वो मैं आगे ले चल रहा हूं। अगर अदर देन मार्केट प्राइस कंडीशन हो तो फिर दो बातें हैं, एस्टिमेटेड वेस्टिंग गिबन यानी एस्टिमेट्स ऑफ वेस्टिंग गिबन, काम हो जाएगा उसका अंदाजा दे रखा है तो कंसीडर लेटेस्ट एस्टिमेट, और अगर एस्टिमेटेड वेस्टिंग नॉट गिवेन अगर एस्टिमेटेड वेस्टिंग गिवेन ना हो तो मैंने एक फॉर्मूला खुद से दिया था,
उसका नाम था पीरियड एक्सपायर्ड प्लस वन। आपको ये नहीं बता रहा कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन है, मतलब टारगेट बेस्ड है, टारगेट पूरा होगा शेयर मिल जाएगा। अब ये बता ही नहीं रहा कि क्या एस्टिमेट है टारगेट पूरा करने का। तो एक जनरल सा एजम्पशन है, अगर मैं कहता हूं कि कोई काम मैं 3 दिन में कर दूंगा और 3 दिन में नहीं होता, तो मुझसे कोई पूछेगा, मैं बोलूंगा कल हो जाएगा पूरा। मतलब हमेशा अगर कोई काम करने के लिए पहले हमने 1 साल का समय दिया है और वो काम नहीं हुआ, तो हम हमेशा ये कहेंगे कि दूसरे साल हो जाएगा, ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, हो तो जाएगा ही। इसलिए एक नॉर्मल प्रिजम्पशन है पीरियड एक्सपायर्ड प्लस वन का। तो इस तरीके से आप वेस्टिंग पीरियड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होगा उस तरीके से। और अब रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेज, ऑन क्यूमुलेटिव SLM बेसिस एज फॉलोज। जितने भी वेस्टिंग पीरियड हो, 3 हो 5 हो 4 हो जो भी हो, आप उसको फॉर्मेट में बनाएंगे। मैंने मान लिया 3 ईयर वेस्टिंग कंडीशन है, और ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके आंसर को कभी गलत नहीं होने देगा। तो आप यहां कहेंगे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉई, ये एट्रीशन को कंसीडर करने के बाद आते हैं, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, नंबर ऑफ ईसॉप, डी में आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। वेस्टिंग पीरियड आपने जैसे भी पता लगाया हो लिखेंगे, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस निकाल देंगे आप, एक्सपेंसेस जो आपका डी में आया, वेस्टिंग पीरियड जो ई में है, इनटू पीरियड एक्सपायर्ड, जितने पीरियड एक्सपायर हुए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर घटा देंगे, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड अप टू प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर एक्सपेंस एफ माइनस सी कर देंगे। इस फॉर्मेट में आने पे खर्चे में गलती होने के चांसेस नहीं रहते, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आप खर्चे हमेशा कैलकुलेट करेंगे। खर्चा कैलकुलेशन के बाद आता है इसका जर्नल करना। जर्नल करना भी बड़ा सिंपल है, जर्नल में करेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट, जो अगर एसेट से रिलेटेड नहीं हो तो हमेशा पीएल में जाता है, टू शेयर बेस्ड पेमेंट इक्विटी रिजर्व अकाउंट।
वो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी या ईसॉप लिख दें, एक ही बात है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और जब शेयर इशू हो जाएगा अगर एक्सरसाइज प्राइस होगा तो आप जर्नल एंट्री कर देंगे बैंक डेबिट, अगर एक्सरसाइज प्राइस होगा तो, नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। शेयर बेस्ड पेमेंट इक्विटी रिजर्व है या ईसॉप लिखा है तो ईसॉप डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर कोई फॉरफिट हो गया, फॉरफिटेड शेयर्स, तो आप एंट्री कर देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट इक्विटी रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। वैसे सी इंस्टीट्यूट के नए कोर्स के स्टडी मटेरियल में ये छूट गया है, लेकिन स्टैंडर्ड के प्रोविजन में लिखा है कि अगर शेयर फॉरफिट होता है तो ट्रांसफर इन अदर इक्विटीज परमिटेड, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट ही हो गया तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए जो भी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में है उस सब को उठा के जनरल रिजर्व में डाल दीजिए। ये स्टैंडर्ड में लिखा है इसलिए एंट्री बनती है, स्टडी मटेरियल ने सी इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया है तो छोड़ दिया, लेकिन ये एंट्री बनती है, बाकी जगहों पर है। और ये हर साल के एंड में आपको जितने भी वेस्टिंग पीरियड है हर साल के एंड में एम्प्लॉई बेनिफिट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट इक्विटी रिजर्व ईसॉप आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मैं चलूं बैलेंस शीट में तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इज प्रेजेंटेड इन अदर इक्विटी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व दूसरे इक्विटी में प्रेजेंट किया जाता है, मतलब अदर इक्विटी में इसका सम टोटल करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आपके पास में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के रिकग्निशन का। तीन एडिशनल पॉइंट इसमें और हैं जिसके बारे में भी मैं बता देता हूं, उसका भी रिलेशन ईसॉप से ही है। तो डी पॉइंट में एडिशनल पॉइंट, या आप इसको एडवांस पॉइंट कह सकते हैं, यह है मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन ग्रेडेड वेस्टिंग। कई वजहों से हो सकता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद प्लान मॉडिफाई हुआ हो, अगर प्लान मॉडिफाई होता है तो इसमें दो बातें होती हैं, मॉडिफिकेशन की वजह से अगर एम्प्लॉई को नुकसान हुआ, मॉडिफिकेशन रिजल्ट इनटू लॉस टू एम्प्लॉई, अगर मॉडिफिकेशन की वजह से एम्प्लॉई को नुकसान होता है तो आप इस मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट ही इग्नोर कर देंगे, इग्नोर अकाउंटिंग इंपैक्ट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर बेस्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड IFRS 2 कहता है कि ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू एस्टिमेट हो गई वो फेयर वैल्यू वो मिनिमम खर्चा है जो वेस्टिंग पीरियड में रिकग्नाइज होगा, मतलब उससे कम खर्चा तो रिकग्नाइज हो ही नहीं सकता। और अगर एम्प्लॉई को कोई नुकसान होगा तो एम्प्लॉयर को फायदा होगा, और अगर एम्प्लॉयर को फायदा होगा तो खर्चा पर शेयर घटेगा, इसलिए घटे हुए खर्चे का रिकग्निशन पॉसिबल नहीं है। मॉडिफिकेशन
रिजल्ट इनटू बेनिफिट टू एम्प्लॉय। अगर मॉडिफिकेशन की वजह से एम्प्लॉय को फायदा हुआ तो खर्चा पर शेयर बढ़ेगा। और IFRS 2 ये कहता है था कि ग्रांट डेट का खर्चा मिनिमम एक्सपेंस है जो रिकॉग्नाइज होगा, मतलब अगर खर्चा बढ़ता है तो एडिशनल एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रिकॉग्नाइज ग्रांट डेट फेयर वैल्यू एज यूजुअल। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू जैसे रिकॉग्नाइज कर रहे थे वैसे करते रहिए। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन रिमेनिंग पीरियड। बाकी जो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है वो जो बचे हुए पीरियड है उसमें रिकॉग्नाइज होगा, और इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जो कैलकुलेट होती है वो मॉडिफाइड शेयर की नई फेयर वैल्यू और पुराने शेयर की जो रिकैलकुलेटेड फेयर वैल्यू होगी। पुरानी फेयर वैल्यू से कंपेयर मत कर देना, जैसे पहले ईयर में जो शेयर की फेयर वैल्यूएशन होगी उससे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि समय बीत गया तो पुराने शेयर की भी फेयर वैल्यू घटेगी। तो पुराने शेयर के पुराने कॉन्ट्रैक्ट की नई फेयर वैल्यू और नए कॉन्ट्रैक्ट की पुरानी फेयर वैल्यू, मतलब जो मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फेयर वैल्यू निकाल लीजिए और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फेयर वैल्यू निकाल के फिर नेट कर दीजिए। और अगर ये कैंसिलेशन हो गया, मतलब अगर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान कैंसिल हो गया तो बड़ा सिंपल है। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान कैंसिल हो गया तो बहुत सिंपल है दोस्त, और वो सिंपल पॉइंट क्या है देखिएगा। अगर वो मॉडिफिकेशन है तब तो मॉडिफिकेशन की तरह अकाउंट फॉर होगा, अगर मॉडिफिकेशन नहीं है क्लोजर है तो आप एंट्री करेंगे इक्विटी डेबिट अप टू फेयर वैल्यू और बैलेंस को कर देंगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट बैलेंसिंग फिगर टू कैश। मतलब अगर फेयर वैल्यू है 90 रुपए और आप पेमेंट कर रहे हो 100 रुपए, तो 90 रुपए तक तो आप इक्विटी में डेबिट करेंगे, क्योंकि उतना खर्चा आपने पहले इस शॉप में क्रेडिट कर रखा होगा, उसके ऊपर की जो पेमेंट होगी वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा चला गया और वो पीएल में चला जाएगा। और अगर मैं बात करूं ग्रेडेड वेस्टिंग की, तो यहां पे शेयर्स डिफरेंट ग्रेड्स में बटे होते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, अलग अलग ग्रेड में शेयर बटे रहते हैं। ये एक बहुत मोटिवेटिंग प्लान होता है, जैसे मैंने आपको क्लास में डिटेल में समझाया था कि मान के चलो कि हम एक एम्प्लॉय को 60 शेयर देने वाले हैं और 3 साल बाद देने वाले हैं, तो एम्प्लॉय ये सोच रहा है 3 साल किसने देखा है, 3 साल बाद पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो जितना मोटिवेटिंग प्लान नहीं होता, हमने ये सोचा कि अब एक काम करते हैं, एम्प्लॉय को कहते हैं कि 3 साल नहीं, अगर आपने 1 साल काम कर लिया तो आपको 60 में से 20 शेयर दे देंगे, दूसरे साल काम कर लिया तो 20 शेयर और दे देंगे, तीसरे साल काम कर लिया तो बाकी 20 शेयर भी दे देंगे। तो ऐसे केस में पर ईयर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ऐसे केस में शेयर को ग्रेड में डिवाइड करना होता है, हर ग्रेड की अलग अलग वेस्टिंग होती है। ईच ग्रेड हैज डिफरेंट वेस्टिंग पीरियड हैंस एक्सपेंसेज फॉर ईच ग्रेड आर ऑल्सो कैलकुलेटेड
सेपरेटली। हर ग्रेड के वेस्टिंग पीरियड अलग होते हैं, इसलिए उसकी फेयर वैल्यू भी अलग होती है, इसलिए हर ग्रेड का खर्चा आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक है लेकिन एक नहीं तीन है, क्योंकि शेयर को अलग अलग तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया है। तो इन सब पॉइंट्स को मैंने काफी डिटेल में आपको समझा रखा है तीन चार क्लास लगा करके। इसकी समरी मुझे बनवानी थी, वो समरी मैंने बना दिया है, साथ में ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है। तो जब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जो पुरानी बातें मैंने कही हैं वो सब याद आ जाएंगी, और ये आपके रिवीजन में बहुत मदद करेगा। क्योंकि रिवीजनरी वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो वो भी एक दिमाग में प्रेशर बनाने लगता है, कितने लंबे लंबे वीडियो हैं रिवीजनरी के। इस वजह से मैंने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ शेयर बेस्ड पेमेंट पार्ट ए। मतलब इक्विटी वाला प्लान खत्म हो चुका है, अब आपके पास में लाइबिलिटी ऑल्टरनेटिव और ग्रुप प्लान बचा हुआ है, जिसमें तकरीबन 30-40 मिनट और लगेगा, वो पार्ट बी में मैं अलग से डाल दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो ये मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि ये काम का वीडियो है, तो आप अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। क्योंकि ये ओल्ड कोर्स हो, न्यू कोर्स हो, सी ए हो, आई सी डब्ल्यू ए हो, ये आपके पास में ए सी सी ए हो, किसी भी तरीके का आई एफ आर एस के पेपर हो, सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत बहुत धन्यवाद।